इडली या डोसा का बेटर बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर रेगुलर वाले सस्ते वाले चावल। मैंने यहाँ 3 कप चावल लिया है और हमें उड़द की दाल चाहिए बिना छिलके वाली 1 कप। आप नाप को ध्यान में रखें, 3 कप चावल, 1 कप उड़द की दाल। फिर लेंगे 1/2 कप पोहा। आप यहाँ पर मोटा या पतला कोई भी पोहा ले सकते हैं, इससे है कि डोसा क्रिस्पी बनते हैं। और मेथी के दाने चाहिए 1/2 चम्मच। सबसे पहले हम चावल को पानी में भिगो देंगे। ये देखिए, पानी का थोड़ा ज़्यादा यूज करें भिगोने के लिए। ये चावल मैंने एक बर्तन में भिगो दिया है। फिर और एक बर्तन ले लें और ये दाल, पोहा और मेथी के दाने एक साथ भिगो दें। चावल, दाल और ये सभी चीज़ों को एक साथ ना भिगोएं। ये मिला दिया ताकि पोहा भीतर चला जाए। अब इन दोनों को 8 से 10 घंटा ढक कर रख दें फूलने के लिए। 10 घंटे के बाद हमने इसका पानी निकाल लिया है। अब इन्हें हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। सबसे पहले हम चावल पीसेंगे। आप चाहें तो साथ में भी पीस सकते हैं। चावल डालकर बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे, जितनी ज़रूरत लगेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है पीसते समय। ये देखिए, चावल हमने पीस लिया है। इसे हम एक पतीला में डाल देंगे। अब इसी मिक्सर जार में दाल, पोहा और मेथी के दाने जो मैंने भिगो कर रखा था, इन्हें हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी दरदरा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जितनी ज़रूरत लगेगी। तो ये देखिए, दाल, पोहा और मेथी दाने का भी मैंने स्मूथ डो तैयार कर लिया है और हम इसी पतीले में इसे डाल देंगे। आप चाहें तो चावल, दाल, पोहा, मेथी के दाने एक साथ भिगो सकते हैं, एक साथ ही सुबह पीस सकते हैं। सारे पीस के हमने तैयार कर लिया है। अब ये चावल और ये दाल का जो पेस्ट है, इसे हमें अच्छी तरह से फेंटना है। तो इसे हमें 5 से 6 मिनट तक लगातार फेंटना है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं। अब इस बैटर को हम फूलने के लिए रख देंगे। आप इसे 8 से 10 घंटा तक फूलने दें, जिससे कि इडली बहुत सॉफ्ट बनेगी और डोसा भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे। फूलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे आप ढक दें और फूलने के लिए छोड़ दें। मैंने यहाँ टोटल 10 घंटा रखा है। तो ये देखिए, 10 घंटा के बाद आप देखेंगे कि ये बैटर काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो इडली या डोसा के पहले आप इसमें थोड़ा सा पानी और नमक स्वाद के अनुसार डालकर अच्छे से मिला लें। तो ये हमारा इडली या डोसा का बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो इस बैटर से आप उत्तपम भी बना सकते हैं। तो हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।